तो आज की वीडियो में प्रीव्यू करने वाले हैं मैच नंबर 3 का, जो कि होने जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दोनों ही टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है ऑन पेपर, लेकिन ऑफ पेपर जब दोनों टीमें उतरेंगी तो काफी सारी दिक्कतें दोनों ही टीमों को रहने वाली है। वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम की, ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, आपको सारी जानकारी देंगे, पिच रिपोर्ट से रिलेटेड, इंजरी अपडेट से रिलेटेड, और देंगे आपको जानकारी क्या रहेगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। हेड टू हेड की बात करेंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आपको बता दें सबसे पहले ये मैच नंबर 3 है जो कि खेला जाने वाला है श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि लखनऊ का होम ग्राउंड है। अब लखनऊ के लिए ये होम मैच होने वाला है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स टीम का ये फर्स्ट अवे मैच होने वाला है। लखनऊ अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच होगा अवे टूर पर। इसके बाद दोस्तों ये आपको 7:30 बजे होता हुआ दिख जाएगा ब्रॉडकास्ट जियो सिनेमा पर, और अगर आप टीवी में देखना चाहें तो आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। इसके बाद अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट जो है दिखाती है कि ये जो पिच है वो सूट करती है बैटर्स के लिए, और यहां पर आपको काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम होता हुआ दिख सकता है। हाई स्कोरिंग गेम, जी हाँ दोस्तों, जहां पर दोनों ही टीम काबिलियत रखती है 200 और 180 तक दोनों ही टीम पहुंचने की, और ये पिच भी दोनों टीमों को सूट करने वाली है इनके बल्लेबाजों को, नॉट बॉलर्स को। तो यहां पर अगर बात करें आप प्लेयर अवेलेबिलिटी की, तो कौन कौन से प्लेयर होंगे अवेलेबल, कौन कौन से नहीं, तो यहां पर जो प्लेयर अवेलेबल नहीं है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स से क्विंटन डीकॉक, अभी नहीं आए हैं। दूसरे प्लेयर हैं मोहसिन खान, वो भी अवेलेबल नहीं होते हुए देखेंगे। वहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम की, फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ पंत बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक था, उसके बाद इनके हैं नोकिया, एंड्रस नोकिया भी आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज ऑफ अभी साउथ अफ्रीकन आए नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की, आखिर कौन सी टीम का पलड़ा कौन सी टीम पर भारी पड़ता है, तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक टोटल 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों ही टीम नो डाउटेडली लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए थे, दोनों मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत गई थी। हाईएस्ट स्कोर की बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के सामने, तो वो था 195 रन का। वहीं दिल्ली कैपिटल्स टीम का हाईएस्ट स्कोर था 179 रन का, जो कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बनाया था। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लखनऊ का था 155, और जो बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम का, उनका था 149, जो कि उन्होंने लखनऊ के सामने बनाया था। इसके बाद अगर बात करें दोनों टीमों की मेन चीज प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, सो बात करेंगे सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की। इनके लिए आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे केएल राहुल और काइली मेयर्स, ये 2 आपको ओपनर्स दिखेंगे। काइली मेयर्स ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, एक और अच्छा एडवांटेज लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल जाता है। नंबर 3 पर हुड़ा आपको खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पर आपको आयुष बदौरी खेलते हुए दिख जाएंगे, नंबर 5 पर मार्कस स्टोनिक्स, नंबर 6 पर निकोलस पुरन। अब निकोलस पुरन को ऊपर भी प्रमोट किया जा सकता है देखते हुए मैच की कंडीशन क्या है। इसके बाद अगर बात करें नंबर 7 पर कुणाल पांडे आपको खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 8 पर यहां पर दिखेंगे आपको जयदेव उनादकट, बिकॉज मोहसिन खान अभी अवेलेबल नहीं होने वाले। उसके बाद नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर आपको दिख जाएंगे आविष्कार, और नंबर 11 पर आपको दिखेंगे मार्क वुड। ये टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की, तो वो हो सकते हैं कृष्णप्पा गौतम। कृष्णप्पा गौतम को यह टीम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और करना भी चाहिए, प्लेयर काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके बाद बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स टीम की, क्या रहेगी इनकी प्लेइंग 11, तो इनके लिए आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे डेविड वार्नर, उनके साथ पृथ्वी शॉ, नो डाउट ही आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर सरफराज खान खेलते हुए दिखेंगे, मे बी मनीष पांडे को पहले मौका मिल जाए। नंबर 3 पर मनीष पांडे, नंबर 4 पर मिशेल मार्श, नंबर 5 पर सरफराज खान, जो कि आपको इस टीम की विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे, मनीष पांडे या फिर सरफराज खान, दोनों में से कोई। ज्यादातर चांसेस अभी सुनने में आ रहा है मनीष पांडे कर सकते हैं, लेकिन मे बी शायद सरफराज कर जाए विकेट कीपिंग। इसके बाद नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर आपको रोमन पावल खेलते हुए देखें, नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 की बात करें, यहां पर नंबर 8 पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिख सकते हैं, नंबर 9 पर मुकेश कुमार खेल सकते हैं, नंबर 10 पर चेतन सकारिया और खलील अहमद, दोनों में से कोई एक। खलील अहमद अभी इंजर्ड है, तो चेतन सकारिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार, तीनों में से आपको कोई भी 2 प्लेयर खेलते हुए देखेंगे, और
स्पॉट दिखेगा नंबर 9 और नंबर 10 का। नंबर 11 की बात करें, नंबर 11 पर आपको मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए दिखेंगे। ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स टीम के पास कई सारे होने वाले हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ईशान शर्मा को भी खिलाने का, देखते हैं किसको खिलाएगी। मे बी मेरे हिसाब से तो तीन ऑप्शन बेस्ट रहने वाले हैं, खलील अहमद, चेतन सागारिया, मुकेश कुमार, जो फिट है, जो तीनों में से दो फिट है उनको आप खिला दीजिए, ये मेरी प्रिडिक्शन रहने वाली है। तो अगर बात करें प्रिडिक्शन की, कौन सी टीम यहाँ पर ज़्यादा मजबूत लग रही है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मजबूत है ज़्यादा, और ज़्यादा उसके पास डेप्थ है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, क्वालिटी ऑफ बैटिंग दोनों है। तो इस मैच के लिए मैं समझ रहा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स टू विन। सो गाइज, आप की क्या राय, आप अपनी राय जोर से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मेरे ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।